ये ले मैक, हमें एक वीडियोस मतलब जो है ना, हमें एक वीडियोस बनाने पे स्टेटस वीडियोस भी नहीं, क्योंकि वीडियोस बनाने में ज़्यादातर जो है ना टाइम नहीं लगता, लेकिन हमें जो है ना स्टेटस बनाने में जो है ना, हमें कितना ज़्यादा जो है ना ये सेटिंग वगैरह हो रही है। पर्दे बंद करो। हाँ बस 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 ही मेरे पाल, क्योंकि अभी जो है ना स्टेटस बना रहे हैं, तो स्टेटस बनाने के बाद जो है ना आप सबसे मिलते हैं। आप बालों को नहीं, सही मैंने बोला है ना, बालों को नहीं करो, नहीं करो यार छोड़। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग बना रहे हैं, फिर से मैंने बोला छोड़, छोड़ो यार प्लीज, हरकत नहीं। अब ये स्टेटस बनाने के बाद आप सबसे मिलते हैं, तो पर्दे वगैरह बंद कर दिए। ए मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ गए हो? तो इस साइड पे जो है ना दूसरा पर्दा भी लगाना है, इस साइड पे जो है ना आपने पर्दा नहीं लगाया, लेकिन अभी जो स्टेटस बना रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे अच्छे, क्योंकि हम लोग जो है ना अभी जो कि स्टेटस वगैरह बनाने में जो है ना मेरा हस्बैंड मेरी मदद करवाता है, तो मेरा हस्बैंड जो है ना यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना रेडी कर रहा है, और उसके बाद जो है ना फिर आप सबसे मिलते हैं कि यहाँ पर जो है ना स्टेटस कौन कौन सा क्या क्या जो है ना बना रहे हैं, और आप सबसे बाद में मिलते हैं। मैं ना बालों को कभी पोनी नहीं देती, तो मेरे बाल इतने ज़्यादा दर्द कर रहे थे ना क्या बताऊँ। सो यहाँ पर जो है मेरा हस्बैंड स्टेटस बनवा के चला गया है, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, और प्यारा सा कमेंट। सो यहाँ पर जो है ना बच्चे भी चले गए हैं ट्यूशन पे, सो मैंने पोनी जो है ना कभी भी नहीं लगाई थी, सो इतने जो है ना मेरे बाल दुख रहे हैं, और बाल बिखर भी गए हैं। सो मैं अभी जो है ना बालों को सही कर रही हूँ। यहाँ पर जो ना उंधई आ गई थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने वजू कर दिया है, तो मेरा ब्लॉग 2 बजे ही स्टार्ट हुआ है, और मैं अभी नमाज़ पढ़ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा हस्बैंड अभी चला गया है। क्या आप लोगों के बच्चे, उनका जब बाप जाता है घर से तो आप लोग के बच्चे रोते हैं? मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड चला जाता है ना, जब भी चला जाता है तो मेरा बच्चा जो है ना इतना रोता है कि वो कहता है कि मुझे लेके जाए, तो बार बार उसको दुकान पे तो नहीं लेके आज जा सकता। बच्चों का बहुत मन कर रहा था कि हमें जो है ना कबाब, सीख कबाब, शीख कबाब वो खिलाए। सो मेरे पास जो है ना कोयले कोयले जो पड़े हुए थे, तो मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ छोटी छोटी करके वो डाली, और मेरे पास शापर है, तो वो कलियाँ वगैरह ये डाल के मैं जला रही हूँ आग, और मुझे जो है ना यहाँ पर बनानी है सीख कबाब। और बाहर से मंगवाने से बेहतर है कि घर में बच्चों को आप चिकन कबाब बना के खिलाएं। सो मैंने जो है ना यहाँ पर नमक, और मैंने डाल दी है लाल मिर्च, जो कि मेरी मसाले वाली मिर्ची लाल वो वाली, इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी, ताकि इसके ऊपर जो है ना और अभी कुछ भी नहीं डालना। आपके बच्चे जब भी कहें ना मुझे अम्मी कबाब जी कबाब बनाने हैं, तो उसको बना के ज़रूर खिलाएं, क्योंकि मेरे पास शीखें थी ही नहीं, तो मेरे पास ये था, तो मैंने जुगाड़ करके जो है ना आज सीख कबाब बना ही दिए। सो यहाँ पर जो है ना मैं इसके ऊपर रखती जा रही हूँ, तो इतने जो है ना अच्छे टेस्टी बन गए थे। कभी भी जो है ना आप अपने बच्चों को इस तरीके से ही कबाब बना के ज़रूर खिलाएं, और इतने ज़्यादा टेस्टी अच्छे। इसके ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया है, जो कि अच्छे तरीके से जो है ना इसकी इतनी ज़्यादा खुशबू आ गई थी, और ये अच्छे तरीके से इतना अच्छा पक गए थे ना, तो मैं क्या बताऊँ, जैसे बाहर से जी कबाब हम खरीद के लेके आते हैं, उससे भी कई गुना अच्छे ये बन के तैयार हो चुके थे। मेरे इतने से चिकन था, तो कबाब घर पे इतना जो है ना आसानी के साथ मैंने जो बना दिए, तो बच्चे तो हैरान हो गए, तो अम्मी हमें दोबारा भी कबाब बना के खिलाना। कैसी लगी आज की वीडियो? अल्लाह हाफिज़।